सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, VFK एमरजेंसी फ्लड रिलीफ 2022 का ये प्रोग्राम है। गुजरे दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और इसके अलावा फ्लड की यहाँ पे सूरत हाल बनी है, तो इस सिलसिले में हमारे चर्च ने जो है वो जितने भी हमारे ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं उन तक राशन पहुँचाने की एक छोटी सी काविश की है। तो इस प्रोग्राम में हमने एक छोटा सा साउंड सिस्टम का एक सेटअप लगाया है, तो मैं आप सब दोस्तों को बताऊँगा कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से ये हमारे काम में हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्राम की अभी तैयारी चल रही है, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं 2 स्पीकर और इसके अलावा मिक्सर लगा रहे हैं। स्पीकर हमारे पास हैं पी ऑडियो के, 300 वाट के ये स्पीकर हैं, तो ये हमारा काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसके अलावा देखें ग्राउंड का हमने कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ पे कारपेट वगैरह लगाए हुए हैं और इसके अलावा लाइटिंग का भी इंतज़ाम यहाँ पर हो रहा है। अब बात करते हैं मिक्सर की, तो ये मिक्सर मेरा इस्तेमाल में है लेकिन इसके वॉल्यूम ख़राब थे, तो इसको मैं एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ करूँगा। इसके अलावा माइक और बाकी ऑपरेटिंग के लिए मैं यहाँ पे साउंड क्राफ्ट की FX12 ये कंसोल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी मिक्सर है, तो यहाँ से ऑपरेटिंग का सारा काम होगा। अभी के लिए यहाँ पे हम एक माइक का इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा बैकग्राउंड में म्यूज़िक के लिए या ट्यून्स वगैरह चलाने के लिए यहाँ पर मैं ऑक्स केबल लगा के मोबाइल यूज़ करूँगा। अब बात करते हैं माइक की, तो माइक यहाँ पर मैं शफू कंपनी का यहाँ पर SM59ND इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी निकलती है, ये वोकल पे भी अच्छे तरीके से काम करता है और म्यूज़िक और तबले वगैरह के लिए भी अच्छा काम करता है। सेटअप हमारा रेडी हो गया है, तो अभी एक दफ़ा माइक ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं। हेलो हेलो टेस्टिंग, देखें कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और पूरे हॉल में आवाज़ जो है वो कम्प्लीट जा रही है। तो यहाँ पर मैं आप सब दोस्तों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो खुद से तब कुछ भी नहीं कर सकता, तो माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं और बाकी लोग जो हैं वो बहुत सारे कामों में, तलीम में और इसके अलावा जॉब में और बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। तो इस तरह से एक लंबा टाइम गुजरने के बाद जब वो एक मुकाम पे पहुंच जाता है, जब उसमें काबिलियत होती है, पैसा होता है, दौलत होती है, इस तरह से जब हमारी ज़िंदगी में काबिलियत हो, हमारे पास दौलत हो, सब कुछ हो, तो हमारा सबसे पहला जो हक है वो है इंसानियत की खिदमत करना, दूसरों की खिदमत करना, जो लोग कमज़ोर हैं उनकी मदद करना, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है आप उन्हें घर बना के दे सकते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है आप उन्हें खाना दे सकते हैं, और जिन बच्चों को तलीम नहीं मिल रही तो आप उन्हें तलीम दे सकते हैं। तो इस तरह से जब आपके पास काबिलियत हो, पैसा हो, सब कुछ हो, तो आप उसको इंसानियत के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। प्रोग्राम का बाकायदा तरीके से आगाज़ हो गया है, देखें सभी लोग आकर अपने राशन की सीट पे जो है वो तरतीब के साथ बैठ रहे हैं। तो इस तरह से हमने सभी राशन को बड़े ही अच्छे तरीके से एक तरतीब में रखा है ताकि वन बाई वन सभी लोग आके बहुत ही आसानी से अपना राशन जो है वो ले सकें। जी हाल हमारा भी फुल हो गया है, इसके अलावा हमारे बॉस भी आए हैं, तो मीडिया के कुछ लोग जो हैं वो उनकी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं अपने चैनल के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने चैनल पे आप सब लोगों के लिए एक क्लिप बनाता हूं। तो देखें सभी लोग बहुत ही खुश हैं। और चर्च ने हमेशा, जैसे मैंने पहले अर्ज की, मुल्क पाकिस्तान में हमेशा अपना हिस्सा डाला है और ख़ासकर तालीम तो वो है जो जिससे कोई भी शख्स जो है इससे इनकार नहीं कर सकता। हमारा चर्च जो है, जिसका नाम आप सब जानते हैं, सेंट के नाम से नहीं है, VFK है, विजन फॉर द किंगडम इन पाकिस्तान। हमारे चर्च की जो विजन है वो साथ में तालीम के साथ साथ ये भी शुरू से रही है कि जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आई है, कोई मसला ऐसा आया है कि जहां पर लोग परेशान हों या दुख में हों, तो हमने कोशिश की कि हम स्कूल से या चर्च की बिल्डिंग से बाहर निकलकर लोगों की मदद करने के लिए जाएं और हम इंतजार ना करें। मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ और जितने भी लोग जिन्होंने इस काम में सपोर्ट किया, यहाँ की लोकल टीम ने, लोकल चेस की जो टीम है हमारी, यानी हमारे चेस की जो टीम है उसने सपोर्ट किया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ इस सारी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छा रहा, तो सभी लोग अभी बहुत ही खुश हैं और अपना अपना राशन लेकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं।
तो इस तरह से हमारी चार दिन की ज़िंदगी है, तो हमने इसको इसी तरह दूसरों के लिए दूसरों की मदद करते हुए गुजारना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।